ओहो शिट, चार्जिंग एंड होने की वजह से मेरा तो मोबाइल ही ऑफ हो गया। तू अपना मोबाइल दे जरा, मैं घर कॉल कर लूँ। मेरा मोबाइल तो घर पड़ा है, लेकर तो नहीं आया मैं। घर घर क्यों रखा है यार तू? हाँ तो खेलते वक्त मैं कहाँ रखता, ऐसे ही गुम हो जाने का डर होता है, इसलिए बाबा नहीं लाने देते। अच्छा चलो, अब क्या जाना पहले घर बताने के लिए, एक ही दफा जाऊंगा खेल के। आजा स्टेडियम चले। हेलो, ओ एक मिनट यार, वायरलेस बंद करी। जी मैं थाना सिटी से राणा आसिफ बात कर रहा हूँ, भला क्या नाम है आपके बेटे का? जी मेरे बेटे का उसामा जी। जी जी उसामा, उसामा आपके बेटे उसामा को हमने उसके दोस्तों के साथ गिरफ्तार किया है, क्योंकि उसके एक दोस्त के पास पिस्टल था, अब हम उस पर पर्चा देने लगे हैं। पर्चा? अरे नहीं नहीं जनाब, 14 साल उसकी उम्र है, छोटा साहब बेचारा, सारा कैरियर उसका तबाह हो जाएगा। जी 14 साल उसकी उम्र है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया है। एक मिनट रुके जरा, हमारे अफसर आ गए, मैं आपको एक मिनट तक कॉल करता हूँ। ठीक है जी। क्या हुआ भैया, सब खैर तो है? किसी पुलिस वाले का फोन आया है, उन्होंने उसामा को उसके दोस्तों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कर लिया है इतने से बच्चे को, लेकिन किस जुर्म में? वो कह रहे थे कि उसके किसी दोस्त के पास से पिस्टल निकली है, पता नहीं किस सोबत में पड़ गया ये। ओहो भैया फिक्र ना करें, फेक कॉल होगी, किसी ने आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। सुनने में आ रहा है आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं इस तरह के। देख उसामा का नंबर भी बन जा रहा है, मुझे लगता है कि उन्होंने मोबाइल भी ले लिया होगा। अब मैं क्या कहूँ आपको, दोबारा कॉल आ गई उसकी। हेलो सर, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा, बस आप मेरे बेटे पे पर्चा ना होने दीजिएगा। देखिए जी अफसर तो बड़े गुस्से में है कि इतने से बच्चों के ये काम है, इनको लाजमी सजा होनी चाहिए, लेकिन मुझे आपके बच्चे का एहसास है। आप ऐसा करें कि इस नंबर पे 40,000 भेज दें, मैं अफसरों को मना के निकाल देता हूँ बच्चे को, आप फिक्र मत करें। ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी, मैं अभी भेज देता हूँ पैसे। पैसे? भाईजान पुलिस वाले कभी पैसे नहीं मांगते, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि ये कोई। और चुप कर तू, यहाँ उसामा के कैरियर का सवाल है, अगले उस पे पर्चा देने के लिए खड़े हैं और तू उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ये ले कुरैशी साहब, हो गया 40,000 आपका सेंड। ठीक है जी। ये क्या, इसका नंबर क्यों बंद जा रहा है? चलो हो जाएगा, उन पैसे तो मैंने भेज दिए हैं। हाँ अली भैया, कहाँ हैं आप, पैसे भेज तो नहीं दिए कहीं? हाँ पैसे तो भेज दिए हैं मैंने, दुकान के बाहर ही खड़ा हूँ अभी। ओहो चलो जल्दी से आ जाए घर, उसामा आ गया। आ गया है उसामा? ठीक है मैं अभी आया। सुबह से कहाँ था तू, सब परेशान हो रहे थे। मैं तो क्रिकेट खेलने गया था। आ गए बाबा। देखे भैया, ये तो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया हुआ था, अभी आया है खेल के। अच्छा तो फिर मोबाइल क्यों ऑफ था तेरा? बाबा सारी रात लाइट नहीं थी, आपके सामने ही है, इसलिए मोबाइल नहीं चार्ज कर सका, बैटरी एंड थी, मोबाइल ऑफ हो गया। अच्छा मुझे लगा कि शायद पुलिस वालों ने तेरा मोबाइल ले लिया, इसलिए नंबर बंद है। ओहो भैया वो कोई पुलिस वाले नहीं थे, मैंने आपको उसी वक्त कहा था कि फेक कॉल है, और ये फ्रॉडी बंदे को बातों में ऐसा उलझा देते कि अगले का दिमाग ही माउस हो जाता है, कि वो कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहता और आपकी तरह पैसे भेज देता है। वाकई तू सही कह रहा है, यही सब कुछ हुआ था मेरे साथ, और मैं इतना खौफ ज़दा हो गया था कि कुछ समझ ही नहीं आई। चलें छोड़े, जो हुआ सो हुआ, उसामा तो खैरियत से है ना, यही बहुत है, और आइंदे के लिए मोहतात रहिएगा। आ जाएं चलें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो बिल्कुल सच पे मबनी है, हमारे काफ़ी दोस्तों के वालदैन को यूँ फेक कॉल आ चुकी है और उनमें से कुछ नुकसान भी उठा चुके हैं, तो प्लीज़ अपना ख्याल करें। अगर आपको कोई ऐसी फेक कॉल आती है तो फौरन अपने बच्चों से रابطہ करें या पुलिस से रابطہ करें, खुद कोई ऐसा स्टेप ना लें जिससे आप नुकसान उठाएं, तो प्लीज़ होशियार रहें, ये कॉल आपको भी आ सकती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक ये पैगाम पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।